स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों, सेवन्थ में शिक्षक भर्ती से जुड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। ये खास करके शिक्षक भर्ती से इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, शिक्षा विभाग के द्वारा एक महत्वपूर्ण लेटर जारी हुआ, ये आपको जानना जरूरी है। दोस्तों, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय आदेश है। अब ये आदेश क्या है, आइए देखते हैं। पूरा आदेश आपको यहाँ पर बताएंगे। देखिए, पटना से खबर है कि जो शिक्षा विभाग का पत्रांक 1269 दिनांक 25/9/2019 द्वारा जो वर्ष 2019-20 में जो पंचायती प्रारंभिक 1-5 शिक्षक एंड नगर प्रारंभिक शिक्षक, जो नगर का 1-5 शिक्षक है, उनका नियोजन हेतु स्पष्ट किया गया है कि जो बीटेट है 2017 के बीटेट के लिए प्रावधानित है कि सामान्य कोटि के अभ्यर्थी को न्यूनतम 60% अंक और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि महिला उम्मीदवारों को 55% अंक के आधार पर उत्तीर्ण किया जाएगा। इसी प्रकार अनुसूचित जाति या जनजाति जनजाति एवं निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 50% अंक लाना आवश्यकता है और इसी अनुरूप प्राथमिक विद्यालय में विद्यालय अध्यापक हेतु अभ्यर्थियों की अर्हता निर्धारित की जाती है। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि जो आपका SC हो या ST हो, SC ST हो और जो निश्चक कोटि के उम्मीदवार हैं, ठीक है, तो उन सब के लिए 50% लाना होगा, ठीक है। ये जो आपका BPSC के द्वारा एग्ज़ाम होगा, BPSC के द्वारा TRE एग्ज़ाम, उसमें आपको कुल 50% अंक तो आपको लाना ही लाना है, चाहे SC ST या निःशुल्क निःशक्त कोटि के अभ्यर्थी हैं, तो PH के हो गए, ये सब के अभ्यर्थी हैं, तो आपको 50% अंक लाना ही लाना है। तो ये आवश्यक लाना है, इसमें साफ साफ आदेश दिया गया है, ये आदेश है, ठीक है। और फिर देखिए आगे, तभी आप जो विद्यालय अध्यापक हैं उसके लिए नियुक्त कर पाएंगे। नियुक्त हेतु अभ्यर्थियों की अर्हता निर्धारित की जाती है। अब इसमें आगे देख लो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ठीक है। आगे यहाँ पर और भी खबर है कि जो उपरोक्त प्रावधान बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक जो हैं उनका नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई जो है और जो सेवा शर्त है वो नियमावली 2023 के आलोक में बिहार राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में विद्यालय अध्यापक के 79,963 सृजित पदों पर नियुक्ति के क्रम में सीटेट के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी लागू होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आगे यहाँ पर आपका एक दिया हुआ है। अब वही दोस्तों आगे देख लीजिए यहाँ पर, इस पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। तो इसमें पूरा यहाँ पर दिया गया है कि ये प्राधिकार जो है वो अनुमोदित है, ठीक है, अनुमोदित प्राप्त है। अब इसके जो हैं निदेशक प्राथमिक शिक्षा पंकज कुमार का लेटर, और फिर यहाँ देखिए प्रतिलिपि में दिया हुआ है कि जो सभी शिक्षा जिला पदाधिकारी, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एवं कार्यक्रम पदाधिकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को सूचना एवं आवश्यक कार्य प्रेषित है। जी हाँ, तो इन सबको सूचित किया जाता है, ये जो लेटर आया है उसके बारे में, ठीक है। और निदेशक प्राथमिक शिक्षा उनका यहाँ पर साइन होगा। और फिर आगे देख लीजिए, फिर और भी हैं जो प्रतिलिपि इसमें दिया हुआ है कि जो IT या मैनेजर IT मैनेजर हैं शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाइट पर उक्त आदेश की प्रति अपलोड करने हेतु प्रेषित, ठीक है, ये भी देखिए। और यहाँ पर निदेशक प्राथमिक शिक्षा के उनका साइन है। तो ये आपका टोटल पूरा अपडेट था जो आपने जान लिया। तो यही था आपका अपडेट। तो इसमें आपको साफ साफ यही बताया गया है कि आप SC ST के हों, कोई भी दिव्यांग हो या निःशक्त जो आप हैं अभ्यर्थी, उनका आपको 50% अंक लाना ही आवश्यकता है, लाना ही अनिवार्य, तब आप एलिजिबल हो पाएंगे, ठीक है। तो ये था आज का अपडेट दोस्तों। साथ में जनरल से जुड़ा अपडेट हमारे चैनल पाइए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो से वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा अभ्यर्थियों के पास ये वीडियो शेयर करें, नीचे शेयर बटन का लिंक है, अपने ग्रुप पर शेयर करें, अपने टेलीग्राम पर शुरू करें, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें, ताकि और भी अभ्यर्थी इस जानकारी को जान सके और पढ़ाई करते रहें, BPSC की तैयारी करते रहें, ठीक है। चलिए, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।